दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। स्पेशली कुछ बुरी खबरें निकल कर आ रही है और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी निकल कर आ रही है, जहां पर आपको जर्सी और शेड्यूल के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की इंजरी के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सभी टॉप अपडेट्स के साथ, बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। तो अब यहाँ पर दोस्तों बात करें तो श्रेयस अय्यर के लिए एक कॉन्ट्रोवर्शियल सिनेमा क्रिएट हो चुका है। जी हां दोस्तों, ऑलरेडी दो मैचों के अंदर फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप रहे श्रेयस अय्यर, रूल्ड आउट हो चुके हैं बचे हुए तीन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के टेस्ट मुकाबले से, यानी पूरी सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। रीजंस वगैरह आपको सब पता होंगे, बट यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है फैंस द्वारा कि ये है एक पॉलिटिक्स जो श्रेयस अय्यर के साथ की गई है। अब क्योंकि उनको सीधा सीधा बाहर नहीं निकाल सकते थे तो इंजरी का बहाना दिया गया है। स्टिल दोस्तों वेरीफाइड आपको जो इंजरी उनको हुई है ना, उसका वेरीफाइड लिंक आपको नीचे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप पूरा आर्टिकल तो पढ़ ही सकते हो। मामले के ऊपर आ जाते हैं कि श्रेयस अय्यर को एक्चुअली में हुआ क्या है, बट श्रेयस अय्यर की इंजरी जानने से पहले ये भी जान लो कि मुजीबुर रहमान यानी मुजीब जादरान को भी एक इंजरी हो चुकी है और वो ODI सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं वर्सेस श्रीलंका, उनको हुई है हैंड इंजरी। अब श्रेयस अय्यर की बात करें ना तो उनको स्टिफ बैक एंड ग्रोइन पेन है, जिसका मतलब होता है बैक में थोड़ी बहुत सिकुड़न है और उनका जो लिगामेंट है ना लेग का, उसमें इशू है और मसल टीयर का थोड़ा बहुत इशू उनको नजर आ रहा है। कहीं लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 15-20 दिन के एक मामूली शॉर्ट टर्म पीरियड में वो यहाँ पर जो है ठीक हो जाएंगे, और कहीं अनुमान लगा रहे हैं कि वो IPL की प्रैक्टिस सेशन मिस करेंगे। ये तो बात तय है कि वो IPL खेलेंगे, क्योंकि IPL एक ऐसी लीग है जहाँ पर दोस्तों लंगड़ा घोड़ा भी दौड़ता है। चाहे आप हार्दिक पांड्या को ही क्यों देख लें, वो सब आएंगे, बट श्रेयस अय्यर के लिए दोस्तों थोड़ा बुरा फील ज़रूर होता है। उम्मीद करेंगे कि कमबैक उनका हो और एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आए। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये मैटर पे आपकी क्या है राय, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिक्स हुई है या फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर वाकई थोड़ी बहुत उनको इंजरी हो सकती है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है KKR शेड्यूल को लेकर। तो फरवरी 16 के बाद किसी भी पल आपको फरवरी के उसी वीक के अंदर शेड्यूल देखने को मिल सकता है। अब IPL का शेड्यूल देखने को मिलेगा तो साथ साथ ऑब्वियस बात है KKR का शेड्यूल भी आ जाएगा। अब RCB से उनका मुकाबला होता है या गुजरात टाइटन से उनका मुकाबला होता है या सेकंड मुकाबला या थर्ड मुकाबला IPL का ऑफिशियली KKR का होता है किसके साथ, ये तो हमें देखने को मिलेगा। बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर दोस्तों हमें एक पोस्ट देखने को मिल सकती है शेड्यूल जब आएगा KKR की, और वो पोस्ट में हमें देखने को मिल सकता है एक नया स्पॉन्सर। उम्मीद हम कर ही रहे हैं कि यहां पर दोस्तों वैसे ही ऑलरेडी एक दो टीमों के स्पॉन्सर बदल चुके हैं और वो बहुत बड़ी डीले भी हो चुकी है, बट KKR या तो सेम स्पॉन्सर के साथ कंटिन्यू करेगा और अगर चेंज करेगा ना तो शेड्यूल के आसपास ही स्पॉन्सर की एंट्री दिखाएगा, क्योंकि उसके बाद उनको नई जर्सी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। तो बने रहिए चैनल के साथ, नीचे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिन भर में हम कम से कम 10 से 11 खबरें हम KKR की ही डालते हैं, क्योंकि वो KKR का एक्यूरेट चैनल है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है KKR नाइट्स को लेकर। तो जो ADKR है ना, उन्होंने दोस्तों बचे हुए IL T20 के लिए फैबियन एलन को साइन कर लिया है। अब ये इसको कह सकते हो कि आप ये ऑफिशियल यहाँ पर रिप्लेसमेंट है आंद्रे रसल की। इसके अलावा दोस्तों मिचेल स्टार्क स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट हुए हैं न्यूजीलैंड टेस्ट के अगेंस्ट। साथ ही साथ अगर बात करें तो लॉकी फर्गसन अब यहाँ पर KKR को तो छोड़ चुके हैं, बट जीवन के अंदर अपना चुके हैं एक नई साथी, यानी उनकी शादी रिसेंटली हो चुकी है। इसके अलावा जो हर्षित राणा है ना, वो यहाँ पर जो बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आए नेट्स के अंदर। गुरबाज ने SRK की बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा कि बहुत हम्बल है, बहुत काइंड है, ये बात तो सच है। बट गुरबाज का IPL आने से पहले ये स्टेटमेंट साफ तौर पर दर्शाता है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों, अनुमान लगा सकते हो कि एक दो दिन में जेसन रॉय का भी स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर मजा आएगा कि यार दोनों में से प्लेइंग 11 में किसको खिलाया जाए। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर टीम KKR की वीडियोस देखना पसंद करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।